हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी यहां पर एकदम मस्त हूं। तो आज आ रखा हूं मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना देता हूं। तो आज आयरलैंड में काफ़ी अच्छी धूप खिली है। मेरे को एक साल से ज़्यादा हो गया है इधर, पर ऐसी धूप मैंने पहली बार देखी है। आज पूरा एकदम मौसम बिल्कुल साफ हो क्लीन है एकदम। तो जुड़ी रहे मेरे साथ आज के एक शानदार ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड लोगों के साथ। जुड़ी रहे एक शानदार ब्लॉग में। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी धूप खिली है आज। मौसम भी बिल्कुल साफ है चारों तरफ। पहली बार ऐसी धूप खिली है आयरलैंड में। तो यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी एक दो घंटे बाद क्या पता मौसम चेंज हो जाए यहाँ। और ये देखिए बिल्कुल अभी यहाँ मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, तो हम इंडिया से जो हैं 4.5 घंटा पीछे हैं यहाँ। ये देखिए ओस की बूंदें यहाँ पर, ये देखिए सुंदर नज़ारा यहाँ का। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे आयरलैंड में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है। अभी हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई यहाँ पे, अगले महीने से थोड़ा ठंडा चालू हो जाएगा। दिसंबर जनवरी में तो -9-10 रहता है यहाँ पे टेम्परेचर, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है। पिछली बार 2-3 बार यहाँ पर बर्फ़ गिरी थी। पिछली बार तो मार्च में भी यहाँ पर बर्फ़ गिरी थी। दोस्तों ये यहाँ का पार्क है, ये देखिए यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ रखे हैं। सुंदर नज़ारा यहाँ पर चारों तरफ। आयरलैंड में हर 5-10 किलोमीटर की रेंज पे पार्क रहते हैं, छोटे छोटे पार्क रहते हैं, तो लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। कोई अपने डॉग के साथ आता है यहाँ पे, कोई अपने बच्चों के साथ आते हैं यहाँ पे। तो सैटरडे संडे वीकेंड टाइम पे रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो आज धूप भी काफ़ी अच्छी खिली है। ये देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड लोगों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड लोगों के साथ। दोस्तों आयरलैंड के लोग जो रहते हैं यहाँ के काफ़ी हम्बल लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। जो यहाँ के आयरिश लोग हैं उनको आयरिश बोलते हैं यहाँ। सब अपने फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं यहाँ के लोग, और सब बिजी रहते हैं अपने काम धाम में। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ क्लीन है बिल्कुल, हर जगह डस्टबिन लगे हैं, तो कोई ऐसे पार्क में कूड़ा कचरा डाल नहीं सकता यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ब्लैकबेरी, एक निकालता हूँ मैं खाने के लिए, टेस्ट करता हूँ फ्रेश ब्लैकबेरी। काफी स्वादिष्ट है। सभी लोग रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो कुछ लोग आ रखे हैं मॉर्निंग वॉक पे। ये देखिए
यहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक ही है हमारे, अगर हम पैदल जाएंगे तो 15-20 मिनट लगेगा हमको एयरपोर्ट जाने में। दोस्तों वो देखो एक फ्लाइट जा रही है, अभी लैंड होगी वो डबलिन एयरपोर्ट आयरलैंड में। यहाँ पे एक छोटी सी झील है, दिखाई नहीं दे रही हो, दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ कितने घने जंगल ही है, जंगली जंगल है घने बिल्कुल। यहाँ पे सांप नहीं होते हैं, एक भी सांप नहीं पाया जाता है यहाँ आयरलैंड में, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसे ही है बिल्कुल, इसकी वजह से। दोस्तों ये एक छोटी सी झील, यहाँ पे काफी सारे बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। डक नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, काफी सारे डक्स रहते हैं यहाँ पे, ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। दोस्तों ये देखिए कितना घना जंगल है यहाँ पे, ये देखिए पेड़ ही पेड़ है बिल्कुल, सुंदर नजारा बिल्कुल, पंछियों की चहचहाट। देख रहे हैं आप लोग, अपने इंडिया में तो ऐसे जंगल बिल्कुल काट देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन्हीं की वजह से तो हमारा जो पर्यावरण रहता है वो मेंटेनेंस रहता है बिल्कुल। दोस्तों चलते हैं अब रूम की ओर, छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, अब 3 दिन छुट्टी थी, फ्राइडे आज लास्ट, कल से ड्यूटी फिर। तो हम जो है आयरलैंड में यहाँ पर वीक का 39 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो हमारा 39 आवर्स 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, तो अभी 3 दिन छुट्टी रहती है हफ्ते में। तो कल बारिश थी 2 दिन, इसलिए कहीं जा नहीं पाया, तो आज मौसम अच्छा है तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मेरी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, एक शानदार ब्लॉग में, मौसम सही रहेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आयरलैंड डबलिन एयरपोर्ट दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए, बाय बाय दोस्तों, सी यू सून।